जी मैं हूं महेश कुशवाहा, आप सभी का स्वागत है एमकेजी बाइसिकल में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइकिल का चेन कैसे टाइट किया जाता है या टूट जाए तो कैसे जोड़ा जाता है। इसके ऊपर पूरा मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जो कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे करके पूरा सीरीज आएगा। तो आज ये पहला भाग है। आइए साइकिल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइकिल है 20 इंच बच्चों की साइकिल। इसमें अभी दो काम करना है, एक तो साइड सपोर्ट है, ये 2 महीने साइकिल चल चुकी है, तो साइड सपोर्ट की जगह हमको साइड स्टैंड फिट करना है। और दूसरा, ये देख सकते हैं इसका चेन निकल चुका है, पूरी तरीके से चेन जो है इसका निकल चुका है, तो इस चेन को हमें सही करना है। ये आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको खड़ा करना रहा होगा, क्योंकि अगर हम ये निकाल देंगे तो ये टिकेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, साइकिल को खड़ा रहने के लिए हम इस नट को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इसमें 3 महीना हो गया है। तो 20 1 75 की साइकिल है ये, 20 इंची की साइकिल। बच्चा अब चलाना सीख गया होगा 3 महीनों में, तब हमें इसमें अब हमें जो है ये साइड स्टैंड डालना चाहिए, क्योंकि साइड स्टैंड डालने के बाद ये देखिए, तो सबसे पहले साइड स्टैंड को हम ये नक्का ये देख सकते हैं कैसा है। सबसे नीचे इसके साथ लगना चाहिए इसको, इसके ऊपर मरगाट क्यों है तार। अगर ये कैरियर कई बार अलग वाला आता है तो उसके इसके ऊपर जो है इसकी स्टे आएगी, वो नहीं है तो हम इसके ऊपर एक वासल ऐसा रख देंगे और फिर हम ये नट लगा देंगे और हम इसको टाइट करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा हल्का सा देखिए, बिल्कुल यहाँ सामने से, ये बिल्कुल सामने से 1 इंच इसको आगे रहना चाहिए। उसके बाद अब हम इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के लिए 15 नंबर का स्पेनर लगता है, आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा वाला नहीं है तो आप एक दूसरा स्पेनर 15 नंबर का भी यूज कर सकते हैं, रिंच वाला, जैसे कि ये। इससे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इससे मीडियम जोर लगाना पड़ेगा। इसके लिए 2 स्पेनर लगता है। तो पहले हम इसको टाइट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, बस हल्का टाइट करना है, बिल्कुल हल्का सा टाइट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा मूव करेंगे, काफ़ी टाइट जाएगा। ये ऐसे वाले आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डालना होगा थोड़ा सा मोबिल। इसमें 2 पत्तियाँ दिख रही होंगी, 1 2, दूसरे के सामने भी हमें ऐसे ही डालना है। उससे क्या होगा, एक तो ये आसानी से मूव होने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा, और दूसरा इसकी लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से अब हमारा साइकिल, इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे, पूरा टाइट नहीं करना है। उसके बाद से हमें क्या देखना होगा, अब हमारा ये स्टैंड फिट हो गया, लेकिन हमारा ये जो चैन दिख रहा है ये ख़राब है, इसको सही करना है। तो चैन टाइट करने से पहले हमें क्या देखना होता है कि ये टाइट हो। ये देखो जो ये एक्सल है, इसको पकड़ के हिलाएंगे तो ये टाइट है। अगर ये लूज है तो हमें इसको टाइट करना है, लेकिन यहाँ पे एक भी चूड़ी नहीं बचा है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी चूड़ी नहीं है, यानी कि पूरा टाइट हो चुका है। तो हम इसको देखेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा लूज है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, अगर ये हल्का सा लूज है तो हम इसको चला सकते हैं। साथ ही इसको भी चेक करेंगे ये टाइट है कि नहीं, एक छेनी और एक हैम्बर। अगर छेनी है, नहीं है तो आपके पास मंकी प्लेयर हो तो ये यूज कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के, टाइट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, उधर देखते हैं क्या। ये तो हम निकाल चुके हैं, दूसरी तरफ अब हमें देखना है कि ये चेन लगाना है। तो ये चेन हमारा देखिए अंदर गिरा हुआ है पूरा, तो ये हमारा अभी फिट नहीं होगा, इसके लिए आदमी दुकान पे लेके जाता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये चेन कवर पहले खोलना पड़ेगा। चेन कवर खोलने के लिए पहले हमको ध्यान देखना है यहाँ पे गैप कितना है। अगर ये गैप इससे ऐसे नाप लेना है, यहाँ पे देखिए ऐसे नापेंगे तो पैडल से ज़्यादा गैप इसमें है, तो पैडल खोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये पैडल भी खोलना पड़ेगा। और इसमें 15 नंबर का स्पेनर लगता है, नहीं तो एक पैडल रिंच आता है उससे भी खोला जा सकता है। और इसको खोलने के लिए हम स्पेनर लगा के पीछे की तरफ घुमाएंगे, ऐसा लगा के पीछे की तरफ दबाया जाएगा, 15 नंबर का स्पेनर इसमें रिंच लगता है, उससे ये खुलेगा, ठीक है। लेकिन हमें इसको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डाया बड़ा है, अगर ये छोटा वाला रहेगा तो पैडल खोलने के बाद ही खुलेगा। तो अभी हम किसका खोलते हैं, चैन। तो एक स्क्रू यहाँ पे रहता है, इसके अंदर भी एक नट रहता है, उसको भी ऐसे उंगल से पकड़ा जा सकता है, नहीं तो चाबी वहाँ पे 8 नंबर या 9 नंबर की चाबी यहाँ अंदर लगेगी। ये देखिए ये वाला है 8 या 9 नंबर का, यहाँ पर चाबी लगता है, एक स्क्रू यहाँ पर होता है, या तो ये पेचकस से खुलेगा यहाँ पर, और नहीं तो यहाँ पर 8 नंबर वाले दिए होते हैं, 8 नंबर का चाबी लगेगा यहाँ पे रिंच। अब हम इसको ऐसे गिरा देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे भी आपको एक स्क्रू मिल जाएगा,
यहाँ पे भी पेचकस लगेगा, और पेचकस नहीं है तो 8 नंबर का रिंच लगेगा, और ये सभी नट बाएं तरफ खुलेंगे। फिर से हम इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद इस चैन कवर को देखिए आराम से ऐसे निकाल लिए। अभी आप देख सकते हैं चैन निकला हुआ था, इसको आराम से निकाला जा सकता है। और चैन को यहाँ पे हम ऐसे फिर चढ़ा देंगे। आगे भी चढ़ गया, पीछे भी चढ़ गया, लेकिन चैन को हम देखेंगे बहुत ज़्यादा ही, देखो लूज है, बहुत लूज है। अब ये टाइट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम टायर के पास उंगल डाल के देखेंगे। देखिए कम जा रहा है, लेकिन इसी जगह पे टायर के सामने, ये टायर और इसके पाइप के बीच में दूसरी तरफ अगर उंगल ऐसे हम इधर से डाल के देखेंगे, उधर भी और इधर भी, ये देखो यहाँ पे और इधर, लेफ्ट और राइट, दाहिने और बाएं, दोनों तरफ सेम अभी गैप है। तो अभी हमें टाइट कैसे होगा चेन, इस व्हील को निकालना है। अगर व्हील नहीं निकालना है तो बात अलग है, लेकिन पहले हम इस व्हील को भी निकालेंगे, क्योंकि हम साइड स्टैंड डाल चुके हैं बाईं तरफ। तो दाहिनी तरफ भी साइड सपोर्ट ये नहीं रख सकते, ये व्हील नहीं रखा जा सकता, ये रहेगा तो दोनों तरफ, नहीं तो एक तरफ नहीं रहेगा, नहीं तो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होगा वो। अब हम इसको फिट कैसे करेंगे, अब हमने इसको खोल दिया। तो सबसे पहले इसमें कैरियर नहीं है, ठीक है, कैरियर है लेकिन फ्रेम के साथ फिक्स है। एक होता है ना एक नीचे यहाँ पे सरिया आएगा कैरियर का इसमें लगने के लिए, तो वो इसमें नहीं है। तो हम इसको फिट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक नीचे, ये देखिए ये कट दो तरह के आते हैं, एक तो ऐसे आएगा और दूसरा ऐसे आता है, लेकिन ये ऐसे वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये डालेंगे एक वासल, उसके बाद से हम इसको इसको डालेंगे, और इसके ऊपर एक और वासर होना चाहिए। होल्ड की, तो ये हमने वासल डाल लिया, उसके ऊपर ये मरघाट तार डाल दिया, और इसके ऊपर कैरियर का रॉड डाला जाता है, लेकिन इसका रॉड नहीं है तो हम रॉड डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर आप वासल डालेंगे, और इसके ऊपर हमारा होगा ये नट। पहले नट को चेक कर लें, स्लिप तो नहीं है, देखिए ये नट हम नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, यानी कि ये नट स्लिप हो चुका है, ये नट नहीं चलेगा। मैं यह स्लिप था, तो ये जब हम ऐसे करके घुमाएंगे तो घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा, तो ये टाइट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। और इसको ज़्यादा 2-3 बार घुमा देंगे तो इसकी भी चूड़ी ख़राब हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर ये लूज लग रहा है तो इसको हटा देना है, और हमें नया नट दूसरा यहाँ पर डाल देना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हाथ थोड़ा टाइट कर लेंगे, उसके बाद से ये चक्के को इस चीज़ से टायर को दूसरी तरफ से पकड़ेंगे, और ये प्लाई यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसको आगे से टायर को, जो हमने ये वाला हिस्सा बताया था वो हमारा उधर है, और वहाँ से ऐसे खींचेंगे। जब इसको देखिए ये इधर आएगा और ये व्हील पीछे जा रहा है, और जब ये पीछे जा रहा है तो चैन ऊपर उठ रही है, यानी कि टाइट हो रहा है। तो ऐसे पूरा खींच लेंगे, ये टायर यहाँ आके लग जाएगा। उसके बाद से हम इस व्हील को थोड़ा सा ऐसे देखिए हल्का सा टाइट कर देंगे, यानी ये पहले से थोड़ा टाइट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, दूसरी तरफ से टाइट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तो हमने इस पाइप के साथ में टायर लग गया, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा गैप है। इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको हमने हल्का ही टाइट किया था, तो फिर से इसको हल्का सा लूज करेंगे, और ताकि ये आसानी से आ सके। और ऐसे नहीं आ रहा है तो ये हमने बताया इधर यहाँ पर रख के, ये हाथ इधर रख के खींच रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे, ये देखिए कट हमने बताया था ना ऐसे वाला है, तो यहाँ पर रखते समय यहाँ पर ऐसा टायर के ऊपर हल्का सा चोट मारेंगे, आसानी से इधर चला जाएगा। फिर उसके बाद से दोबारा हम इस नट को, चक्का जो है टायर पूरा इधर आ चुका है, सेंटर में नहीं है, चैन बहुत ज़्यादा लूज थी, हल्का सा इसको फिर टाइट कर लेंगे। अब हम चैन घुमा के देखेंगे टाइट हो गया नहीं, अभी बहुत लूज है, तो इसलिए हमने ज़्यादा इधर ले लिया, ज़्यादा गैप है और चैन अभी थोड़ा लूज रह गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर वही प्रेस है, इसको हल्का सा लूज करेंगे पहले ही हमने, और फिर हम ये हाथ से खींचेंगे इसको, देखिए जैसा अभी वो उधर था, ये देखिए टायर पूरा लूज है, लेकिन हम इसको हल्का सा लूज करके पकड़ के टायर को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आए तो यहाँ पे हल्का सा चोट मारना है, जैसे कि ये कट का निशान दिया है, तो ये हमारा हाथ यहाँ आ गया और ये कट का निशान दिया इसके सामने, यहाँ पे टायर पे हल्का सा चोट मारेंगे, चैन पूरी टाइट हो गई, ठीक है। इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे, चैन को घुमा के देखेंगे कि हमें टाइट कितना करना है, ऐसे घुमाते चले जाएंगे। देखिए चैन यहाँ पे टाइट हो गई है और यहाँ पे लूज हो गई है, तो हमें कितना टाइट करना है कि जहाँ पे टाइट हो रही हो वहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का सा दबाने, बिल्कुल हल्का हिल रहा है, मैक्सिमम हमें इतना टाइट करना है। और यहाँ पे देखिए पूरी लूज है, ठीक है, थोड़ी लूज है, तो ये हमारा इंडियन साइकिल में समस्या होती है। तो हमें यहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइट हो रही है वहाँ पर लेके जाना, घुमा के देखना है, यहाँ पर टाइट हो रहा है और हल्का सा दबाने घूम रहा है नीचे, तो इसमें अभी जाम नहीं है। इस नट को पहले हम हल्का सा टाइट कर लेंगे और यहाँ पे हम उंगल डाल के देखेंगे, यहाँ पे एक उंगल आराम से जा रहा है, एक उंगल यहाँ पे हमारे जाने के गैप है, और सेम इसी जगह
हम दूसरी तरफ भी हाथ डाल के देखेंगे कि कितना गैप है। उधर गैप कम है तो हमें गैप को बराबर करना होगा। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, हाफ इंच का कम है। तो इस पर क्या करेंगे, ऐसा एक छोटा सा हथौड़ी रखेंगे ताकि आसानी से सेंटर मिल सके। ये नट हमने पूरा टाइट नहीं, बिल्कुल हल्का टाइट किया हुआ। ये नट के ऊपर ये है यहाँ पे हाथ रख के, और ये अंगूठे से देखिए, ये अंगूठे से उसको उधर दबाएंगे, हल्का सा यहाँ पे चोट मारेंगे, थोड़ा सा बिल उधर गया, अभी मैच नहीं हुआ। थोड़ा और मारेंगे, अभी जाके मैच हो गया। दोनों तरफ का सेंटर बराबर हो गया, चैन भी हमारा टाइट हो चुका है, जितना चाहिए था उतना टाइट हो गया। अब आखिरी प्रक्रिया क्या है, अब जाके हम लास्ट में इस नट को पूरा टाइट कर देंगे। ठीक है, इससे भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरे हाथ का जोर ना लगाएं, मतलब हाथ का 70% या 40% इससे प्रेशर लगाएं। और अगर ये है तो आपके हाथ का 90% आपको पावर इस पर देने की ज़रूरत है, 95% आप अपने हाथ की ताकत इस पर लगा सकते हैं। लेकिन ये है तो अगर आपने हाथ का आपने 90% पावर लगा दिया तो ख़राब हो जाएगा, तो सिर्फ इस पर 70-80% ही पावर लगाना है। दो टायर नीचे रख के उंगलियों में टायर को नीचे दबा लिए, और यहाँ पे हम ऐसा पकड़ के लगा के खींच लिए, टाइट हो गया, पूरा सेट हो गया। चैन को अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो व्हील जाम हो जाएगा, और ये इसके फ्री व्हील बेयरिंग और ये चैन ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसको टाइट करना है लेकिन एक लिमिट तक, हल्की सी तो लूज रहनी चाहिए। तो हमें कहाँ पे लेकर टाइट करना है, मैक्सिमम इतना टाइट करना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ये फ्री व्हील, एक छोटा सा यहाँ पे झिरी दिख रहा होगा, इस व्हील की ऐसे कुप्पी हो, उसके अंदर मोबिल हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मोबिल डालेंगे, वो चला गया इसके साथ ही यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये देखिए, ये फ्री व्हील है, देखिए ये चीज़ नहीं घूम रहा है लेकिन ये घूम रहा है, तो इसके बीच में छोटा सा गैप दिख रहा होगा, देखिए इस गैप के ऊपर, और यही गैप में मैंने दूसरी तरफ भी तेल ऐसा करके यहाँ पे ड्रॉप हल्का हल्का दबाना है, और ऐसे चैन को घुमाना है। तो इसके अंदर जो बीरिंग बैरिंग है उसमें पूरा तेल चला जाएगा, जो जंक वंक होगा ख़त्म हो जाएगा, और उसमें फ्री होकर चलने लगेगा। उसके बाद से ये चैन है, चैन में भी हमें ऐसे तेल, देखिए यहाँ पे कुप्पी को हल्का दबाते चले जाना है, ऐसे भी कर सकते हैं आप अगर हाई बीट नहीं है तो। ठीक है, इस तरीके से चैन में भी थोड़ा ऑयल लगाएं, बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना डालें। तो चैन में अभी ऑयल भी हो गया, स्टैंड भी हमारा फिट हो गया, टाइट हो गया, और हमने चक्के का सेंटर भी मैच कर लिया, स्टैंड का लेवल, चक्के का सेंटर और चैन टाइट, ये हो गया हमारा। अब हमारा आखिरी प्रक्रिया क्या है, ये चैन कवर को हमें दोबारा फिट करना है। तो ये देखिए थोड़ा टेढ़ा है, अभी इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सीधा हो गया, एक यहाँ स्क्रू फिट हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, पत्ती यहाँ पे मौजूद है। अगर ये पत्ती आगे पीछे है तो ये देखिए इसको ऐसे थोड़ा घुमा सकते हैं, हाथ से ना जा रहा हो तो हल्का फुल्का आप हथौड़ी से भी ऐसे मार सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये पत्ती ऐसे सीधी रहनी चाहिए, दूसरे नीचे भी, अगर ये ऊपर या नीचे है तो उसको पिलास से पकड़ के आप ऊपर नीचे से करके थोड़ा मूव कर सकते हैं। ये पत्ती यहाँ हमारा आ गया, अब हम इसको इसमें डालेंगे, और ये यहाँ पर आ गया। स्क्रू का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखिए ये सिर्फ 4 mm का है, जितना कि हमारा नाखून का चौड़ाई, इतना इसका हेड है, और इसकी लंबाई भी हमारा इतना ही है नाखून जितना। ये ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब हम टाइट करेंगे तो ये यहाँ से निकल के इसमें आके लड़ेगा और यहाँ पे भी डिस्टर्ब करेगा, तो इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्रू हमारे पास 1/2 inch का है तो 1/2 inch का भी आधे साइज़ का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नट चढ़ा देंगे अगर ज़्यादा लंबा है तो, और फिर उस नट के बाद वासल डालेंगे, और फिर उसके बाद से हम यहाँ पर टाइट करेंगे। लेकिन इसका साइज़ सही है, बड़ा नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कि स्क्रू हम यहाँ फंसा दिए, उसके बाद से हम यहाँ पे स्क्रू लगाना है, और इसका नट रहा ये देखिए। तो हमें क्या करना है, ये वाली जगह पे नट को दो उंगलों के सहायता से इस नट को हमें यहाँ पे ये देखिए चिपका लेना है, एक उंगल से, इस उंगल से हमने वहाँ चिपका लिया, ये अंगूठे से यहाँ दबा दिया, और ये नट वहाँ पे रख के फंसा दिया। ठीक है जी, अभी इसको टाइट नहीं करना है, बस सिर्फ फंसाना है, पहले यहाँ फंसाया फिर यहाँ फंसाया, और लास्ट में हमें यहाँ का सेंटर देखना है, ये सेंटर मिल गया, और नहीं तो पट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें इसका सेंटर मिल गया। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करके यहाँ भी हमने लगा लिया,
एक दो तीनों लग गया। सबसे पहले हम ये नीचे वाले को टाइट करेंगे, ठीक है, ये टाइट हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लगा के टाइट नहीं करना है, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है। एक मीडियम प्रेशर देना है, फिर उसके बाद से हम ये वाला टाइट करेंगे और सबसे लास्ट में ये वाला हम इसको टाइट करेंगे। अब चैन घुमा के देखेंगे, इसे आवाज़ तो नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ये ऐसे रहेगा, देखो आवाज़ आ रहा है। तो ये हमें देखना है यहाँ पर लड़ता है, तो क्या करना है, ये पत्ती, ये जहाँ पर जो हमने पत्ती दिखाई थी जिसमें हमने स्क्रू टाइट किया, वो पत्ती और इसके बीच में ये दोनों तरफ गैप बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा है तो हम ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से दबा सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम लागू करना है। दूसरा यहाँ पे लड़ता है तो यहाँ पे भी देखना है, देखिए पत्ती सीधा है, ये चीज़ यहाँ पे गैप पूरा है, तो अब ये नहीं है। अगर ये ऐसे लग रहा है तो हम इसको हल्का सा पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। हमारा साउंड भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा चैन सही करने का तरीका। जो चैन हमारा लूज हो जाता है या चैन उतर के अंदर फंस गया, तो चैन उतर के, चैन व्हील से क्यों उतरता है, जब लूज हो जाएगा उसी टाइम पे उतरेगा, उतर के अंदर फंस जाएगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, साइड स्टैंड कैसे फिट करेंगे और चैन को कैसे टाइट करेंगे, तीनों चीज़ें हमने सीख लिया। अगर हमारा सिर्फ चैन लूज हुआ है तो हमें ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, व्हील तो है नहीं, सिर्फ इस नट को हल्का सा ढीला करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ढकेल देंगे, जैसे हमने बताया था यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं, नहीं तो इसको हल्का सा ढीला करके और ऐसे व्हील को पकड़ लेंगे अंगूठे से और यहाँ पर चोट मार देंगे, थोड़ा सा चैन टाइट हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ भी, उधर भी ऐसे करके सेंटर और चक्का पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन चक्के को कितना पीछे लेके जाना है, यहाँ पे हाफ इंच की जगह होती है लास्ट वाली, जैसे ये उंगल मेरी जा रही है, वो हाफ इंच में एक्सल को लेके नहीं जाना है, आखिरी के हाफ इंच में ये एक्सल नहीं जाना चाहिए, यानी कि जो आगे वाले एक इंच की जगह होती है उसमें हमको आगे पीछे करना होता है। अगर इसके यहाँ हाफ इंच तक चला गया कि हाफ इंच छोड़ने के बिल्कुल पीछे एक्सल चला गया, आखिरी के हाफ इंच बचा है वहाँ चला गया, तो चैन को कैसे टाइट करेंगे वो मैं आपको वीडियो पार्ट टू में बताऊंगा। ये चैन टाइट करने का पार्ट वन है, पार्ट टू में उसके बारे में बताऊंगा वो कैसे टाइट होगा, और चैन टूट गया तो उसको हम कैसे ज्वाइंट करेंगे उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो पार्ट थ्री में आएगा, ठीक है। तो ये था साइकिल का पूरा वीडियो, ये साइकिल का पूरा वीडियो था, आपको मैंने बताया साइड स्टैंड कैसे फिट करते हैं और हम चैन कवर कैसे फिट करेंगे और हम चैन को कैसे टाइट करेंगे, और फंस गई है तो उसको निकाल के कैसे सेट करके दोबारा हम टाइट करेंगे। तो ये सारा उसका कंप्लीट मैंने बताया, अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैं बताऊँगा इसका चैन टूटा है तो कैसे जोड़ना है और चैन इसके बावजूद भी टाइट नहीं हो तो उसको अंदर एक नट होता है। अगर ऐसे देखिए लास्ट में बिल वैसे घुमा के देखेंगे, ऐसा हिलना नहीं चाहिए, हिल नहीं रहा है और घुमा के देखेंगे फ्री चल रहा है। अगर जाम है तो यहाँ पर एक बोल्ट होता है अंदर में, उसमें 15 नंबर का रिंच लगेगा, उसको दाएँ बाएँ घुमा के अगर इधर घुमाएंगे तो टाइट होता जाएगा, लूज है तो उसको थोड़ा टाइट करेंगे, अगर ये ऐसा फ्री जाम है तो थोड़ा सा उसको लूज करेंगे, उससे ये एडजस्ट हो जाएगा, वो अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।